का सरकार है, इनराम खा जंगे, खा जंगे, खा चौबीस माह खा जंगे, खा जंगे, हाँ सरकार खा जंगे हम, सरकार को क्या करे, सरकार को भी देखेंगे, किसान को इतना दुखी कर दिया, कुछ मैंने नहीं, किसान की ताकत क्या है, मैंने नहीं कुछ, आज यहाँ किसान तरफ 54वां दिन आज 55वां धरने को, ये नहीं मानने के लिए 55 दिन निश्चितकालीन धरने को हो गए। मैं बताना चाहूँ भूख हड़ताल के आदमी बट जाएंगे, इन्हें किसान को मजबूरी न समझ, दाऊजी डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ कर देगी बुलडोजर की सरकार, ऐसा कर देगा हम सिंगल, इसका 24वां सिंगल कर देंगे, इस बार तेल भी नहीं पड़ा है, तेल भी नहीं, ये तो सुक्का चलेगा बिना ग्रीस के, सुक्का ही, हाँ धरनी लग रहा पुलिस का, मतलब आ जाओ आ जाओ, क्या कह रहे यू कह रहा, मगर डबल इंजन की पे मील पे चलवा दे बुलडोजर, ये लोग मेरा बेरा खड़ा, इस पर चलवा दो की देखता का डबल इंजन वाली में, गन्ना लेने के लिए मील तैयार किया गया था, तो गन्ना लेने के लिए पेमेंट देने के लिए भी तो है, वीर पेमेंट नहीं मिल रहा, पेमेंट कहाँ मिला, पेमेंट का तो रोड ही है, कब तक बैठो अगर बात नहीं मानी गई, जी इतने मिले इतने बैठे जाएंगे। अच्छा एक आखिरी सिंपल सवाल है, कब तक बैठे रहोगे, आखिरी वार्निंग क्या है, वार्निंग का कुछ पता नहीं, हाँ जब तक पेमेंट नहीं होने का 14 दिन की गारंटी देने के, हमारे इसको लुपत सेंटर नहीं बदलने के, जो किसान उठने वाला है। शहजाद बद्री आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क, आज हम मौजूद है शामली में और यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन काफी दिनों से लगातार जारी है और एक अनोखी बात जो हमारे सामने आई है कि यहाँ पर भूख हड़ताल पर लगातार किसानों ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है और ये बहुत बड़ी खबर है, किसानों से ऊपर से मार गिरती है पेमेंट की और फिर रोटी रिस्क की मार भी आज किसान झेल रहा है। आज हम मौजूद है शामली में, हम बात करेंगे आखिर किसानों की क्या मांग है और किसानों की मांग क्यों नहीं मांगी जा रही है, मानी जा रही है, इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ युवा भी मौजूद है और चौधरी लोग भी मौजूद है। अच्छा सबसे पहले जो भूख हड़ताल पर है वो कौन कौन लोग है, हाथ उठाए एक दफा। अच्छा कितने दिन से आपने रिजक नहीं खाया, रोटी नहीं खाई है? 7 दिन हो गया आज। 7 दिन हो गए? हाँ। कुछ भी नहीं खाया? नहीं कुछ नहीं खाया, पानी पानी बस। जान चली जाएगी? हाँ चली जाएगी, तो मिलवाने पहुंचाती भारत जानी है, है? जी मम्मा पेमेंट नहीं देता हमारे, तो चली जाएगी भारत जान जानी है, यहाँ भी चली जाएगी बस। कोई अधिकारी आया नहीं आपके पास? कोई नहीं आता, ना अधिकारी आता ना कोई आता, ना हमें कोई सहायता देता, कोई कुछ नहीं, ना मारता कोई वादा करता। लुक छुप के तो नहीं पीते? खाना पिया लुप छुप के पियेंगे, फिर के रह जाएगा फिर मारा, हम लुप छुप के पियेंगे फिर के, हमें तो मारने का नाम के बैठे हैं आसी, हम लुप छुप के क्यों? रोजाना डॉक्टर आते हैं यहाँ? रोजाना तीन दिन, तीन दिन टाइम आवे, अरे इस हिसाब से आवे, एक दिन आवे एक दिन आते नहीं, कोई मतलब जो रोंडी करना चाहे उसका पहले खेल लगा दे, रोंडी सी कर ली वो कर नहीं सकता, यहाँ पर तो प्योर बिल्कुल भूख हड़ताल है, मेडिकल की टीम आवे, वजन नाप है, बीपी नाप है, हार्ट बीट नाप है, सब चीज नाप है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो पेट खाली है? पेट खाली, पूरा शरीर खाली हो रहा, और शरीर भी घट गया, वजन भी घट गया, और हम तो कह जी मैं सबसे कम उम्र में हूँ यहाँ भूख हड़ताल में, अब इनके सहरेसी है, अगर ये ना होते तो क्या पता 2 दिन में भूखा ना आ जाता, जिंदगी में आज तक कभी व्रत नहीं रखा, जिंदगी में आज तक कभी व्रत नहीं रखा, आज 7वां दिन है भूख हड़ताल। मैं आपको बताऊं प्रभात भाई दोस्त है हमारे, इनकी आवाज निकलती थी बहुत अच्छी, लेकिन अब आवाज क्यों नहीं निकल रही, पेट में कुछ नहीं है क्या? है जी आवाज इसलिए निकल रही पेट में कुछ नहीं है? हाँ जी आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही, गला सूखा है, पानी पीवा तो यही धरा छाती में। अच्छा एक बात भी दिमाग में आती होगी, हाँ जी किसान जो है मुल्क को एक तरीके से तरक्की पे ले जाता है, इनका मेहनत मुशक्कत, लेकिन आज दिल में एक कुड़न भी होती होगी, रोना भी आता होगा, यार किसान है मेहनत करते हैं और जो है आज इन्हीं की बात को नहीं सुना जा रहा। अच्छा हमें ये नहीं पता, शासन प्रशासन वालों को हम ये कहना चाहो ये कहना चाहो भाई ऐसा है, शामली में मुख्य रूप से गन्ना डिपेंड है, गन्ना पेमेंट की सबसे बड़ी यहाँ जिम्मेदारी है इनकी, सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर ये इस मामले को निपटा हुआ यहाँ ना तो वो धरना ना प्रदर्शन ना कुछ भी नहीं होने का, पुलिस भी ठल्ली रहेगी और किसान भी ठल्ली रहेगा। अच्छा एक बात बताए, ये आपने कानून हाथ में ले लिया कि मिल का ताला लगा दिया? ये कानून कानून हाथ में कहाँ ले रखा जी, भी वो हमारा किसानों का गन्ने का पेमेंट ही नहीं देगा तो हाथ में कहाँ ले रखा जी, भी इसका भी बंद होना चाहिए धंधा जी, हमारा धंधा बंद हो गया, ये कानून हाथ में लेना है जो ताला लगा दिया मिल का? चलो हमने तो कानून हाथ में लिया, ताला लगा जो होता कार्रवाई वो कर लो, इन्होंने मिल वालों ने अगले दिन ताला तोड़ा,
कौन था वो बीच में हमारे तोड़ा किसने पूछा तो डान होने एक यूनिट हेड है वो जीएम है ईएम है कोई बात पूछे बात घुमावे यू चलो सुनो मैं बताऊ आपको यहाँ पर संयोजक है संजीव शास्त्री हम भी उनके साथ में थे हमने गेट पे वो ताला लग गया था मोटे वाला हम उस पर मारने की कोशिश करने लगे वो टूटने में ही टूट गई इन्होंने क्या काम करा कहला हमारी जालमान को नुकसान मुकदमा होगा हम करेंगे मुकदमा हमें बताओ कौन था वो जिन्हें तोड़ा चेक कोई था वो मिल का अधिकारी हमारे सामने हो तो ऐसे मिल के ताले लगेंगे अगर जो ताले लगेंगे न तो गंडा गिरे जी भी पैसे देने का हम गंडा नहीं गिरना कोई भी गिरे एक भी छोटी नाम दे इतना हमारा फुल पेमेंट नहीं मिला है छह महीने हो जो छह यहाँ और भूख हड़ताल में तोड़ा है आप भी भूख हड़ताल पे हैं हाँ। जान चली जाएगी आपकी उम्र जान तो हमारी डिब्बी जानी हमारे बच्चे एक किसान अस्पताल में कई दिन अच्छा हॉस्पिटल में भी चले गया कोई आदमी जा रहा है हाँ ओमपाल सिंह तो कुछ खाया पिया उन्होंने ना कुछ नहीं नींबू पानी पी रहे हड़ताल पे है नींबू पानी पी पी का हम अपना गुजारा कर रहे है और मैं एक बात बताना चाहूं सा आपने देखी भी होगी यहाँ पर अधिकारी आजा मीने मान लो समय दे दिया बस 10 मिनट आपके पास समय है हमारे बीच में जाओ 11वीं मिनट हम आपके पास है लेंगे इनके रास्ते बहुत है शामली मिल में हम तो पहली बार बड़े हाँ एक ऑफिस में जाने के लिए 8 रास्ते हैं ये ऑफिस देख रहे आप सामने दिखाइए दिखाइए इसे देखिए आप ये ऑफिस है सामने अच्छा इसमें जाने के लिए 8 रास्ते हैं ताला मार दो देखो हम कतलो मारेंगे इतने रास्ते हैं ये अंदर ऑफिस में जा लेंगे अगर बात नहीं मानी गई कब्जे में आनी रहे मिल वाले आनी रहे नहीं बिल्कुल भी तो किसान तो झोटो को कब्जे में ले ले हाँ इन्हें भी लेंगे जानवर को इन्हें भी लेंगे मार के आगे तो भूत भी नाचे आप भी भूख हड़ताल पे नहीं अच्छा आपको हिम्मत नहीं है बैठ जाइए आप बैठ जाइए हिम्मत नहीं है कोई नहीं आप भूख हड़ताल पे ना आप बैठ जाइए नीचे बैठ जाइए जो भूख हड़ताल अच्छा थोड़ा खड़ा होने में दिक्कत हो रही होगी जी जी दिक्कत होती है कि सरकार है कहती है किसानों का जो है ध्यान रखते हैं हम लेकिन बात नहीं मानी जा रही भूख हड़ताल है जान भी चली जाएगी आता है थोड़ा सा बच्चों का याद आ रही है कुछ याद तो आती है जी मगर क्या करे मेरे एक बहुत बड़ा परिवार है बुजुर्ग है नौजवान है जब भूखे है तो क्या करे अगर हम भूखे 4 आदमी है अगर हमारी जान भी चली जाए तो क्या परवाह मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ इसी वजह से कल मेरे भी इतनी कमजोरी आ रही है कल मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है अगर इन लोगों की भूख हड़ताल में कहीं ना कहीं बीमारी आ जाती है तो कितने लोग और भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे है कोई हाथ उठाने वाला इन्हें मिल वालों को बताना चाहो गिनती रहने की अरे तो भूख हड़ताल पे निर्जला भी रहेंगे जी निर्जला भी रहेंगे निर्जला हाँ। अरे एक और बताऊ 7 दिन हो लिए मैं बताऊ सब उम्र में बड़े आज कल से मुझे दिक्कत होनी शुरू होगी पैर फूटने हो गए शुरू मैं बता आपको मैं जिंदगी में कभी व्रत में नहीं रहा आज 7वां दिन है इसलिए थोड़ी दिक्कत का सामना हो जाए मिल वाले मारे चुप्पी को मजबूरी ना समझे अरे किसान मजबूर ये है छोटे से हैं थोड़े से हैं किसान क्या मामला है थोड़े से किसानों की बात सुन लेंगे अजी बहुत है एक आवाज में सब आ जाएंगे यही जी एक आवाज में इकट्ठे आवेंगे सर सब आवेंगे एक आवाज में यही अभी यही सोच रहे हो थोड़े से हैं नहीं थोड़े से नहीं बहुत 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 ऐसा तो नहीं है नहीं जी नहीं यार पार हाँ यार पार कर किसान फोन करे तुरंत आ लग रहे किसान क्या बिगड़ लेती है कि किसान के हक में हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आखिर आपको लगता नहीं आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि सरकार ध्यान ज्यादा दे रही है और फिर आप प्रदर्शन में बैठे हैं सबसे बड़ा ध्यान नहीं सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है समाधान का हिस्सा नहीं है गवर्नमेंट समस्या का हिस्सा बन रही है अब और उसका टारगेट ये है कि किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए इनमें समता इन्हें छोड़ दिया धरने पे भी आ जाए आपने इससे पहले किसान आपने गन्ना बोया वगैरह ये सब हर साल ही बोया हमारा तो बॉन्ड है इस पे सप्लाई है हमारी गन्ने की अब किसान में से आते हाँ हमारी सप्लाई है ये भूख हड़ताल में कोई इमरजेंसी की हालत बनी है किसी किसान की हाँ बन रही है हमारे गांव का ही है ओमपाल सिंह दिक्कत आ सकती है उसको खिलाया कुछ नहीं अब तक नहीं खिलाएंगे कैसे कितने दिन हो गए आपके इस प्रोटेस्ट को चलते हुए आज 54वां दिन है 54वां दिन है तो कोई नेता नहीं आया सरकार की तरफ से नहीं 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 यहाँ के प्रतिनिधि आते हैं झूठे आश्वासन दे हम उनकी बातों में अब जाते नहीं पहले झूठ बोल के हमारे से गन्ना ले लिया अब नई फसल तैयार खड़ी मीठे मीठे बोल के
ये फसल लेना चाह रहे हैं, हम तैयार नहीं देने के लिए। 6000 रुपए अकाउंट में तो रहे किसान के, और क्या लोगे? हम 12000 रुपए दें, हमारा बिजली का बिल माफ कर दो और ये गन्ने का भाव 500 रुपए कर दो। हमें मोदी अभी खाता बतावे, अभी क्रेडिट कर देंगे खाते में। आप डाल देंगे? हाँ, पैसा ज्यादा है इसका, बड़े किसान हो। नहीं बड़े नहीं, हम तो छोटे ही हैं, बहुत छोटे हैं, पर हम चाहे कहीं से उधार ले आकर डालेगा ना पैसे। नहीं नहीं, 12000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, हम डाल देंगे, कोई बात नहीं, किसी पर उधार ले लेंगे और दे देंगे। तो यहाँ मिल के कोई अधिकारी आपके पास नहीं आ रहे हैं? अबे झूठे आश्वासन देकर जा, हम उनकी झूठ मान ही रहे नारने के। क्या मांग है आपकी भाई? फुल पेमेंट और 14 दिन की भविष्य में गारंटी, ये वे दे नहीं पा रहे। गोलमोल बात करे, हम उनकी बात को क्रॉस करते हैं, फिर उठ के चले जाए यहाँ से। आज हम मौजूद थे शामली में और यहाँ पर किसानों का एक तरीके से प्रदर्शन जारी है और किसान भूख हड़ताल पर है। आखिर किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो क्यों रहा है, सवाल किए। लेकिन ये बड़ी बात है कि यहाँ से हॉस्पिटल में भी कुछ किसान जा चुके हैं, जो कि बड़ी कंडीशन खराब हो जाती है अगर आदमी एक दो दिन खाना भी नहीं खाता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि आज 7 दिन गुजर जाने के बाद भी किसान भूख हड़ताल पर हैं और कुछ की गंभीर हालत है। ये कह रहे हैं कि हम पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आज हम सोशल जस्टिस नेटवर्क के माध्यम से इनकी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क फील्ड में जाकर उन तमाम बातों की ध्यान को ख्याल रख रहा है और निकाल रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल शहजाद बद्री को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।